वो दबे पांव आती है। वो दिन दहाड़े आती है। उसे इंसानी खून का स्वाद लग गया है। आदमखोर टाइगर की दहशत, तीन दिन में दो इंसानों को बनाया शिकार। घर में घुसकर उठा ले गई बाघिन। एक सेकंड में इंसान के चीथड़े उड़ा दिए। बाघिन की दहशत से थम गया चुनावी शोर। आदमखोर से जान बचेगी तब देंगे वोट। हाँ, वोट ना डालेंगे जब तक जो इंतजाम शेर ना पकड़ो जाए। तो अगर वो शेर नहीं पकड़ा गया तो हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। वोट मांगने वालों, पहले टाइगर पकड़ो। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। पीलीभीत एक आदमखोर बाघिन के खौफ में सहमा हुआ है। इंसानी खून का स्वाद इस बाघिन के मुंह ऐसा लगा है कि उसने तीन दिनों में ही दो लोगों की जान ले ली। उसके सामने पुलिस और वन विभाग भी पस्त है। रोती बिलखती बच्चियां, मातम मनाती औरतें, गम में डूबा पूरा गांव, चेहरे पर दहशत लिए लोग। पीलीभीत में आजकल सिर्फ यही देखने को मिल रहा है। चुनाव के शोर पर एक के बाद एक दो मौत का गम भारी है। तीन दिन में ही आदमखोर बाघिन ने तीन हमले किए और दो लोगों को शिकार बना डाला। अगर बात चार महीनों की करें तो यह आंकड़ा पांच मौतों तक पहुंच जाता है। वन विभाग फेल है, पुलिस फेल है, वोट मांगने आ रहे नेताओं के आश्वासन फेल है। कोई गुहार लगाए तो कहां। सोमवार की सुबह एक महिला पर हमला करके बाघिन सक्रिय शाहगढ़ रोड पर दिखाई दी। सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी पहुंचे और उसे भगाया, लेकिन दिन बदलते बदलते बाघिन ने एक मजदूर को अपना शिकार बना ही डाला। 55 साल का नन्हे लाल खेत में मजदूरी करता था। बाघिन ने उसे खेत में शिकार बनाया और करीब आधा किलोमीटर तक उसके शव को घसीट कर ले गई। गांव में रहने वालों ने बताया कि जब सुबह नन्हेलाल चाय पीने के लिए खेत से गांव में नहीं आया तो उसे खोजा गया। खोजबीन के बाद उसका अधखाया शरीर मिला। ये बेचारा सुबह कभी कभी चाय पीने के लिए सुबह चल जाता था घर। लला मेरा बोलने लगा, कहना पापा आज नन्हे नहीं आए, कि रात शेरी ना हो जो तुम पैन लगा ही, कहीं नन्हे ना पै गया हो। नन्हेलाल को शिकार बनाने से पहले बाघिन ने करनापुर गांव में आधी रात को घर में सो रही एक महिला पर भी हमला बोला था। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई, लेकिन हमला कितना घातक था इसका अंदाजा मच्छरदानी पर बाघिन के पंजे के निशान देखकर लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बाघिन के हमला करते ही महिला जाग गई। शोर मचा तो बेटे ने कुल्हाड़ी बाघिन की तरफ फेंकी, जिसके बाद वो भाग गई। फिलहाल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है और वो बुरी तरह घायल है। घर के आसपास बाघिन के फुटमार्क मिले हैं। वन विभाग को यकीन है कि ये वही बाघिन है
जो दहशत का दूसरा नाम बनकर पीलीभीत में घूम रही है। पिंजरा लगाकर बाघिन को काबू में करने की कोशिशें भी की गईं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक के बाद एक हमले से लोग दहशत में हैं। सोए हुए थे, अपने बिस्तर में सोए थे, मच्छरदानी लगी हुई थी, मच्छरदानी के अंदर से निकालकर उन पर हमला किया। हम लोग दो तीनों भाई बहन थे, उसे छुड़वाया बड़ी मुश्किल से। बहुत गंभीर हालत है, उपचार के लिए लेके गए हैं पीलीभीत। तो पता नहीं भी कैसे हैं कैसे नहीं, हम लोग तो घर पे हैं। शेर की स्थिति ये, शेर तो अभी यहीं पे एक आधा किलोमीटर सुना जा रहा है, यहीं पे बैठा हुआ है। उससे कोई पकड़ने वाला नहीं आ रहा है, ना कुछ को देख रहा है कहाँ है कहाँ नहीं। रात दिन भर स्कूल के बच्चे भी पढ़ने आते हैं, सब आते हैं, पूरा रास्ता चल रहा है, किसी भी अटैक कर सकता है, उसको भरोसा नहीं। घर के आसपास ही मंडराती मौत का एहसास लोगों के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। रात भर पहरा देकर लोग अपनी जान बचा रहे हैं। गुस्सा वन विभाग को लेकर भी है, जिस पर लापरवाही करने और ढील बरतने के आरोप है। रात में बाघ आया और उन्होंने लेडीज को आगे पकड़ा। हम फार्मर लोग हैं, रात दिन खेतों में घूमना पड़ता है। जंगलात वाले बिल्कुल इसका कुछ नहीं कर रहे हैं, ना पकड़ रहे ना कुछ। कल वहाँ पिंजरा लगाया, कुछ नहीं हुआ, आज इधर आ गया है। दो चार की मौत घाट उतार चुका है, ये जंगल वाले लापरवाही कर रहे हैं। डीएफओ ने बाघिन को पकड़ने के आदेश दिए हैं, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर ही है। इंसानी खून मुंह लगने के बाद आदमखोर बाघिन और भी जानलेवा बन गई है। लगभग हर रात गांव वाले जाग कर गुजार रहे हैं। खेतों में काम के लिए जाने वाले किसान भी नहीं जानते कि कब तक बाघिन के डर से घर में ही बैठे रहना होगा। ग्रामीण आसपास के गांव में भी दिन ढले जाने से बच रहे हैं। कोई नहीं जानता कि इस दहशत का अंत कब और कैसे होगा। बाघिन के पंजों के निशान गांव वालों के दिलों में दहशत भर रहे हैं। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। बाघिन का आतंक 4 महीनों से पीलीभीत के कई गांवों में फैला है। न जाने कितनी ही बार शिकायतें हुई, मगर वन विभाग के हाथ अब तक खाली है। थक हार कर लोगों ने अपनी सुनवाई के लिए आखिरी रास्ता चुना है, चुनाव का बहिष्कार। पब्लिक ने नेताओं को साफ कर दिया है कि पहले बाघिन को पकड़ो, फिर हम वोट देंगे। अगर वो शेर नहीं पकड़ा गया तो हम चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। जरूरत है इसको पकड़वाएं जरूर से, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हाँ, वोट ना डालेंगे जब तक जो इंतजाम शेर ना पकड़ो जाए। पीलीभीत के कुंवरपुर गांव में लोगों ने वोट न डालने की हुंकार भर दी है। गांव भर में गुस्सा है, वन विभाग की नाकामयाबी पर आक्रोश है। गांव के ही रहने वाले धनीराम की मौत का दुख है और सभी की जुबान पर आदमखोर बाघिन को पकड़ने की मांग है। साथ ही धमकी भी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस विधानसभा चुनाव में वो वोट नहीं डालेंगे। दरअसल पीलीभीत के और गांव की तरह कुंवरपुर में भी बाघिन मौत बनकर घूम रही है। उसके पंजों के निशान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो आसपास ही है। उसने इस बार 65 साल के किसान धनीराम को अपना शिकार बनाया। रात के वक्त धनीराम अपने मटर के खेत में पहरा दे रहे थे। सुबह जब लोग खेत की तरफ गए तो बिस्तर पर धनीराम को ना पाकर हंगामा मच गया। खोजबीन हुई तो गन्ने के खेत में धनीराम का अधखाया शरीर मिला। इसके बाद तो कोहराम ही मच गया, पूरा गांव खेत में पहुंच गया। पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। चूंकि माहौल चुनाव का है तो अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी भी जा पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने 12 लाख के मुआवजे का ऐलान तो किया, लेकिन गांव वालों के वोट न देने की धमकी पर कहा कि इस मामले को सियासत से जोड़ना ठीक नहीं। नहीं देखिए, अब टाइगर, अब इसको राजनीति से जोड़ना ठीक नहीं है। अब ये कोई इसमें राजनीति करने का विषय नहीं है। जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति जो है सिंपैथी होनी चाहिए, उस परिवार की मदद होनी चाहिए। और वोट देना ना देना तो एक अलग की, प्रजातंत्र में हर आदमी को अधिकार है, देना या ना देना, किसको देना किसको नहीं देना वो तो अपना खुद का निर्णय है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कहने से क्या होता है, माहौल सियासी है तो सियासत होना तय है। बीएसपी के उम्मीदवार शैलेंद्र गंगवार ने प्रदेश सरकार पर तो हमला बोला ही, साथ ही प्रशासन की हिलाहवाली पर भी सवाल किए।
बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो सत्ताधारी पार्टी है उसको विरोध का बहुत बड़ा सामना करना पड़ेगा। वजह यह है कि उन्होंने इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व का केवल नाम केवल रख दिया है, बुनियादी सुविधाओं के नाम पे वो जीरो है। राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार स्वामी प्रवक्तानंद ने सरकार को तो घेरा ही, साथ ही कहा कि उन्हें बाघिन के आतंक के चलते चुनाव प्रचार करने और गांव-गांव घूमने में भी समस्या आ रही है। जबकि मुझे गांव-गांव मीटिंगों में जाना पड़ता है, 9 बजे से मीटिंग लगी हुई, पर हमारा जो जनसंपर्क वो भी टूट रहा है, मुझे जाना पड़ता है अचानक। मैं कल भी गया, परसों भी गया और आज भी मुझे जाना पड़ा मीटिंगें छोड़कर। तो हमें लगता है कि ज़्यादा परेशानी है समाज के लोगों को। चुनाव में दिक्कत देखी, जिसको वोट जिसे देना है वो तो मन बना चुका है। जाहिर है जैसे जैसे आदमखोर बाघिन के हमले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। अब नेताओं ने इसे चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग ने टाइगर टीम, चैंक्लोजर टीम और हाथी मंगा लिए हैं, लेकिन आदमखोर बाघिन किसी के हाथ नहीं आ रही। टीम आ गई है, टैंक्लाइजिंग टीम आ गई है, हाथी आ गए हैं। ये हम लोग पूरा प्रयास यही कर रहे हैं कि इस टाइगर द्वारा अब कोई और घटना न होने पाए। हम लोग लगातार 3 दिन से दिन रात इसी के पीछे पड़े हुए हैं। चुनाव करीब है और वन विभाग अभी तक फेल है। ऐसे में प्रत्याशी कैमरे पर चाहे जो कहें, लेकिन सभी की निगाहें खाली पिंजरे की तरफ लगी हैं। हर रात खौफ की रात है। आदमखोर बाघिन के पास छिपने के लिए बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन चुनाव में खड़े प्रत्याशियों के लिए डरे सहमे लोगों के सवालों से बचने के लिए कोई आड़ नहीं है। सौरभ पांडे, पीलीभीत, आज तक। बाघों के लगातार आदमखोर होने के पीछे दरअसल वजह क्या है, ये जानना जरूरी है। क्यों बाघ इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं? आखिर क्यों बाघों ने जानवर के बजाय इंसान को शिकार बनाना शुरू कर दिया है? आइए आपको बताते हैं। पीलीभीत में आदमखोर बाघिन के हमलों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 4 महीनों में 5 लोगों की मौत से प्रशासन से लेकर इलाके की राजनीति तक सब हिले हुए हैं। दरअसल 2008 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई थी और यह भारत के 41 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट्स में से एक है। लोगों का कहना है कि टाइगर रिजर्व बना तो, लेकिन प्रशासन ने इसकी सुरक्षा और बाकी इंतजामों की तरफ कभी गंभीरता से विचार तक नहीं किया। यही वजह है कि अब तक बाघों ने कई बार इंसानों को अपना शिकार बनाया है। फरवरी 2009 में एक बाघ ने 14 साल के बच्चे को मार डाला, बाद में उसे गोली मारी गई। साल 2010 में एक बाघ ने 8 लोगों पर हमला बोला, इनमें से कुछ की मौत हुई तो कुछ घायल हुए। बाघ को पकड़कर कानपुर चिड़ियाघर भेज दिया गया। जुलाई 2012 में बाघ का एक बच्चा पीलीभीत के जंगलों से बाहर निकल आया और उसने एक आदमी पर हमला भी किया, बाद में उसे ट्रैंक्विलाइज करके काबू किया गया। सितंबर 2012 में एक बाघ ने एक ही महीने में 3 लोगों पर हमला किया। 2 महीनों तक वो पीलीभीत के लोगों के लिए डर की वजह बना रहा। दरअसल जानकारों की माने तो किसी बाघ के आदमखोर होने के पीछे कई वजह होती है। बूढ़ा होने पर बाघ शिकार नहीं कर पाते, इसीलिए वो इंसान को आसान शिकार बनाते हैं। चोटिल होने पर भी बाघ शिकार नहीं कर पाते तो वो इंसानों को ही शिकार बनाते हैं। इंसानी बस्तियों के पास होने की वजह से बाघ उस तरफ चले जाते हैं। आदमखोर बाघिन अपने बच्चों को इंसानों का शिकार करना सिखाती है, तो वहीं शावक आगे चलकर इंसानों का शिकार करने लगते हैं। इनमें से किसी एक वजह या कई वजहों से ही बाघ आदमखोर बन जाते हैं। मुमकिन है कि पीलीभीत में बाघों के हमले के पीछे भी यही सब हो। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।